ना कमान तो कब का कट गया है, लेकिन पता नहीं ड्यूटी पोस्ट पे कब जाएंगे। गाड़ी ही नहीं खुल रहा है यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, यही बज रहा है 6 और हम लोग का फॉल इन है 6:30 बजे से। तो आज हम अपना टाइम पर हैं भाई, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन भाई आज सुबह सुबह बताइए, तो इतना ठंड, ऊपर से आज सुबह में बारिश हो रहा था, इससे ठंड और बढ़ जाएगा। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं फिलहाल अभी ग्राउंड, उसके बाद से देखते हैं क्या आदेश होता है वहाँ। सब जा रहा है धीरे धीरे ग्राउंड निकल निकल के। ये रहा अपना प्लाटून और ये रहा अपना प्लाटून। पैसा ही नहीं छोड़ा गया हम लोग, भैया को छोड़ के आ जाता है। भैया अकेले कैसे आ गया? फॉलिंग के बाद हम लोग को छोड़ दिया गया है फटीक के लिए। गाइस अभी फटीक है, वो वाला जो एरिया है वो देख रहे होंगे आप, वहाँ का साफ़ सफाई हम ही लोग की जिम्मेवारी पर है। तो चलिए साफ़ सफाई करते हैं अपना जिम्मेवारी के साथ, फिर चलते हैं अपना वापस। फॉल इन करके सर छोड़ देंगे हम लोग को। क्या देखो भाई, लेकिन ये चीज़ गलत है, लड़की लोग को फटिक नहीं मिल रहा है। देखो लड़की लोग खड़ी है वहीं पर, वो देखो। चलो कोई नहीं भाई, मैनेज है, नहीं कर पाए फिर तुम उसको 10 बार मनाएगा। ये वो लव मैरिज होने बहुत मुश्किल है। बाहर चल रहे फटीक और यार हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर। हम 1.5 साल से कर रहे हैं ना, अब जाके फैमिली थोड़ा मतलब 50% मान लिए। तो भाई अपना हो गया छुट्टी, चलिए चला जाए वहाँ अपना, एज ऑलवेज ट्रैफिक का काम संभाल लिया जाए। चलिए चलते हैं। ये देखिए अपना कृष्णा बाबा भी साथ में है। तो हम लोग पहुंच गए टेंट गाइस, चलिए चला जाए अब अपना। हम लोग को भी ड्यूटी निकलना है, अपना ड्यूटी का पैकिंग वगैरह किया जाए। तो भाई फाइनली हम लोग लग चुका है ड्यूटी छठ का, और इस रांची ज़िला में नहीं है, हम लोग को दूसरे ज़िला जाना है। वो ज़िला का नाम तो अभी थोड़ा बहुत प्राइवेट रखना पड़ेगा गाइस, ड्यूटी का कुछ ऐसे दे नहीं सकते हैं लीक्स वीक्स। लेकिन एक चीज़ है कि चलिए आपको दिखाते हैं पैकिंग हम लोग कैसे करते हैं ड्यूटी जाने का, दूसरे ज़िला में है। तो चलिए हम लोग, हम और आप मिलकर पैकिंग करते हैं अपना। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, टेंट में 2 टाइप के लोग हैं, एक वो लोग जो छुट्टी जा रहे हैं और एक ये लोग जो ड्यूटी जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं अपना पैकिंग किया जाए। ये रहा अपना स्लीपिंग बैग जो हम लोगों ने लिया है सनमे भैया से, वहाँ है सनमे भैया। स्लीपिंग बैग तो अपना हो गया ओढ़ने का इंतजाम, उससे पहले ये सब जितना अपना कपड़ा बेल्ट वेल्ट है सबको बक्सा हम लोग रखे जाएंगे, वरना पता चला आए वहाँ से और सब गायब हो गया। यहाँ पर अपना सारा सिविल कपड़ा और जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ था वो हो गया यहाँ पर पैक। ये देखिए, ये तो लेके जाने वाला कपड़ा है, और ये तो सब उतना कुछ खास है नहीं, एक ये रखना बाकी है, इसे रख देते हैं। अच्छा, जार रखना है पानी गर्म करने वाला, और ये अपना सामान लेना है, नेम प्लेट भी रख ही देते हैं भाई। और यहाँ पर अपना पैक करने वाला कपड़ा सारा सब कुछ, ये अपना कफ सिरप, ये विक्स, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, मेरा जान यही बचाता है, देख लीजिए विक्स। चलिए भाई फाइनली अपना पैकिंग हो गया है, और नहा धोकर के खाना वाना खा कर के भी आ गए हैं हम लोग। अब बस वर्दी पहन के अपना, बस भी लग गई है सामने, बस में बैठ जाना है। अब अपना पैकिंग फाइनली हो गया है कम्प्लीट। ये देखिए बर्तन वगैरह पीछे रख दिया, हमको मन कर आप पंखा भी ले जा कर रख देते हैं बैरक में, वरना इधर उधर हो जाएगा भाई। यहाँ सारा बेडिंग वेडिंग का पहाड़ लग गया, सब पार्टी तैयार ड्यूटी जाने के लिए, पर तैयार गाइस। एक बार चेक कर लेते टेंट में जाके कुछ छूटा उटा तो नहीं है ना। तो हम लोग ड्यूटी जाने के लिए तैयार एकदम प्रॉपर। अच्छा लग रहा है, गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन। वो देखिए वो यहाँ का शायद गेस्ट हाउस है आई गेस, वो बैरक वगैरह है सब, वो अपना गाड़ी लगा हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ का कमान कटता है, थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए गाइस इस जगह को अच्छे से एकदम। यहाँ देखिए गाइस हम लोग को यहाँ पर क्या मिला है, गेस करी की या क्या है, रुकिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए
इसको इसको ऐसे छुए मुरझा गया। हमारा सारा फोर्स भी पहुंच चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग का ड्यूटी कहाँ कहाँ कमांड कटता है। तो अपना कमांड कट चुका है गाइज, और हम लोग को मिल रहा है हम लोग का हथियार। ये देखिए पीछे कैंसिल है, ये हेलमेट और लाठी तो था ही, कुत्ता लोग भी देख के नहीं पहचान रहा भाई क्या बोले। चलिए चलते हैं अपने ड्यूटी पोस्ट पे, दिखाते हैं वहाँ का लोकेशन क्या है, क्या हाल समाचार वहाँ पर। ये रही अपनी गाड़ियाँ और ये रहा अपना फोर्स, ये अपना सारा संपत्ति। चलिए चल के पहले बस अपना बेडिंग वगैरह उतारा जाए भाई, नहीं तो पता चला कि चल गया दूसरा जगह अपना बेडिंग। कमान तो कब का कट गया है लेकिन पता नहीं ड्यूटी पोस्ट पे कब जाएंगे, गाड़ी ही नहीं खुल रहा है यहाँ से। अब पहुँच जाएगा अपने ड्यूटी लोकेशन पे, और ये है अब ये अपना रहने का व्यवस्था। देखो वहाँ साफ हो रहा है, अभी हमने साफ करके ब्राउन शीट वगैरह भी खा लिए। चलिए किया जाए भाई, बहुत हेवी लग रहा है, दिमाग खराब, चेंज करते हैं पता। तो भाई रूम में लगाने के लिए बॉल मांगे तो मैम 6 को मेरे नाम पे इशू करके दे दी। अब चलिए इसको वापस से जमा कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं तो फिर हम ही को भरना पड़ जाएगा भाई। और काहे फालतू का रखे हैं भाई यहाँ पे जब काम ही नहीं है तो। चलिए चल के वापस कर देते हैं वापस से जीपी सेक्शन में, जमा तो कर दिए हैं। एक मिनट चलिए चल के अब चेंज कर लिया जाए वर्दी अपना। हाँ तो अपना सामान वगैरह सब अरेंज हो गया और निकले हैं अभी हम लोग खाना खाने के लिए। कुछ देखते हैं क्या मिलता है अभी खाना में, क्योंकि मेस तो आया है लेकिन वो कल से चालू होगा, अभी से नहीं। खाना वाना खा के निकल गए गाइस हम लोग, चलिए चला जाए वापस से, चल के आराम किया जाए भाई। एकदम तो हालत तो ख़राब ही है पूरा, एक स्टिंग ब्रेक खांसी हुआ है गाइस, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, एसेंशियल है। खाना वाना खा के थोड़ा आ गए गाइस इस तालाब के पास बैठने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पर बैठ कर। यहीं छठ होगा आई होप, हम लोग का ड्यूटी यहीं पड़ेगा। ये रहा अपना आज का सोने का व्यवस्था, स्लीपिंग बैग, ग्राउंड सीट और अपना गमछी बिछा के मस्त, बहुत कंफर्टेबल है भाई, मज़ा आ गया। और वो तकिया बनाया है मच्छरदानी भर के उसमें। तो आज का दिन अपना ख़त्म हुआ गाइस फाइनली, काफ़ी हेक्टिक डे था। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हम तो कभी ट्रैवल में निकलते भी हैं ना घर से, एक पैर भी अगर रखे बाहर काफ़ी बुरी तरीके से थक जाते हैं। वही हुआ आज, बैठे बैठे थक गए एकदम, हालत ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं, भी तो हम लोग पहुँचे हैं, ड्यूटी अलॉट हुआ नहीं है हम लोग का यहाँ से, या कल होगा शायद यहाँ से हम लोग का ड्यूटी अलॉट की, किसी को कहाँ मिल रहा है, कौन पेट्रोलिंग में जाएगा, कौन ट्रैफिक में जाएगा, कौन गार्ड ड्यूटी जाएगा, तो सब पता चलेगा कल। हम लोग भी खा पी करके आ गए हैं, और चलिए चलते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, कल के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट और भारत माता की जय।